हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर दोस्तों हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि इंडक्टर क्या होता है इंडक्टर आपका एक कॉइल है जब भी इस कॉइल के अंदर इस स्विच को अगर मैंने यहाँ पर ऑन किया इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों एक करंट फ्लो होगा आई ठीक है ना तो ये जो इंडक्टर होता है ना इसके अंदर क्या होगा आपका एक इंड्यूज जैसे जैसे यहाँ पर करंट ग्रो होगा करंट यहाँ पर क्या कर रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है तो करंट के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो फ्लक्स लिंकड है इस कॉइल के साथ वो क्या होगा चेंज और उसकी वजह से यहां पर क्या होगी इंडियो ई एम जनरेट होगी इंड्यूज ई कुछ इस तरह से जनरेट होगी कि ये क्या करेगी इसकी ग्रोथ को अपोज करेगी मतलब कि यहां पर जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी कुछ इस तरह से यहाँ पर जनरेट होगी अब ध्यान से समझो यहाँ पर कि ये जो बैटरी है ये इसके अंदर एक करंट सेंड करना चाह रही है लेकिन ये जो आपका कॉइल है इसके अंदर जो इंड्यूज ई जनरेट हुई है ये क्या करना चाह रही है इस करंट को अपोज करना चाह रही है तो यहाँ पर अगर इस बैटरी को इसके अंदर कुछ करंट को सेंड करना है मैक्सिमम वैल्यू तक ले जाना है तो इस बैटरी को यहाँ पर कुछ काम करना पड़ेगा है ना कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी और वही काम क्या होगा इस कॉल के अंदर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर क्या होने वाला है आपका स्टोर होने वाला है तो हमको वही निकालना है कि इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर यहां पर होने वाली है ठीक है जैसा हम लोगों ने देखो अभी तक तीन टाइप के एलिमेंट्स पढ़े रेजिस्टेंस कंडक्टेंस ठीक है रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस और तीसरा है आपका इंडक्टर तो रेजिस्टेंस जो होता है ना आपका वो एक ऐसा डिवाइस होता है रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने अंदर कोई एनर्जी को स्टोर नहीं करता है कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वे में आपका जो इंडक्टर होता है वो अपने अंदर एक एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज जब इसमें एक इंड्यूज ई जनरेट होगा तो यहां पर एक इंड्यूस करंट जनरेट होगा और वो करंट यहां पर क्या करेगा इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ठीक है ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या एक तरह से आपकी एनर्जी और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है ये जो बैटरी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है इसमें करंट सेटअप करने के लिए बिकॉज ये जो है वो करंट के सेटअप को क्या कर रहा है यहाँ पर अपोज कर रहा है तो वही काम इसके अंदर क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होगा अभी हमको उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है कितना एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी जितना वर्क ये बैटरी करेगी ठीक है चलिए सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इंडियमएफ कितना होगा इंड्यूज ई जो होगा वो कितना होगा देखो एल डी आई एपॉन्ट डी टी मान लेते हैं कि किसी भी टाइम इंस्टेंट टी के ऊपर इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट कितना है आई है

डी डब्ल्यू इज स्मॉल वर्क डन बाय सेल इन स्मॉल टाइम डी टी स्म टाइम डी टी स्म टाइम के लिए बैटरी इसने डी डब्ल्यू वर्क किया तो हमको पता है कि डी डब्ल्यू एफ ऑन डी टी डी डब्ल्यू एफ ऑन डी टी क्या होता है आपका देखो तो पावर पावर इज इक्वल टू क्या होता है ई एम एफ इंटू करंट तो ई एम एफ देखिए कितना हो गया यहां पर ई इंटू आई ई इंटू

ये स्मॉल वर्क आ रहा है कि स्मॉल टाइम में किया हुआ वर्क आ रहा है अब अगर हमको टोटल वर्क निकालना है कि जब मेरा करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाए इनिशियल करंट मेरा कितना था इनिशियल करंट था मेरा आई इज इक्वल टू जीरो जीरो से लेकर जब ये मैक्सिमम वैल्यू को रीच करे तब तक का मुझे क्या निकालना है यहाँ पर वर्क डर निकालना है तो कैसे निकाला जाता है यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दे क्या तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम जीरो टू डब्बू जीरो से मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एल डी आई एल आई डी आई कहां से कहां तक जीरो से लेकर आई तक जीरो क्या है इसका इनिशियल करंट था जब भी आपका ओपन था करंट कितना था जीरो और जब हमने इसको क्लोज किया तो कुछ टाइम बाद ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा तो उस मैक्सिमम वैल्यू पे करंट कितना है लेट से आई ये हुआ अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो गया देखो यहाँ पर डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका डब्ल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे चलो तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हुआ आपका डब्ल्यू लिमिट हो गई आपकी जीरो से लेकर डब्ल्यू तक इक्वल टू एल देखिए कॉन्स्टेंट है आई डी आई आई का कितना होता है देखो, I two, I two, से लेकर आई लिमिट्स अप्लाई कर दो जरा लिमिट जब अपन यहां पर अप्लाई करेंगे जीरो पुट किया तो जीरो तो जीरो तो यहां पर कितना बचेगा अपॉन टू ठीक है तो वर्क मेरे पास कितना आ रहा है एल आई स्क्वायर अपॉन टू मतलब की जो बैटरी है ये यहाँ पर कितना वर्क कर रही है एल आई स्कॉन में टू इस करंट को सेटअप करने में उसको टोटल वर्क कितना करना पड़ रहा है इतना अब जितना बैटरी वर्क कर रही है वही वर्क आपका क्या होगा जितना बैटरी यहाँ पर वर्क कर रही है वही वर्क क्या होगा यहाँ पर आपका एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी सो एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया देखो हम इसको लिख देते हैं यू एनर्जी इज इक्वल टू वन बाय टू एल आई का स्क्वायर तो यहां पर इस इंडक्टर के अंदर जो स्टोर्ड होने वाली एनर्जी वो कितनी होगी एल आई स्क्न बाई टू एल आई अब थोड़ा सा याद करो जब हम लोगों ने कैपेसिटर पढ़ा था तो कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी थी स्क्वायर ठीक है ना क्योंकि वो क्या करता है वोल्टेज को अपोज करता है और उसका जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है Capacitor. तो यहां पर उसकी एनर्जी कितनी आई थी आपकी वन बाय टू सी वी स्क्वायर तो सेम वे में यहाँ पर आप देखोगे तो कितना आ रहा है स्क्वायर एनर्जी आई कहां से ये जो बैटरी ने काम करा एक्स्ट्रा वही यहां पर क्या हुआ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आपका स्टोर हुआ है ठीक है और ये जो एनर्जी है ये इसके अंदर किस तरह से स्टोर रहती है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जैसे आपका कैपेसिटर में हम लोगों ने पढ़ा था तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती थी वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स के बीच में क्या हो जाती थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहां पर एनर्जी क्या होती थी स्टोर सेम वे में इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस फॉर्म में होगी आपकी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक देखिये एक और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो सोर्स हम लोगों ने लगा रखा है ना अभी ये डीसी सोर्स है तो डीसी सोर्स के केस में यहां पर क्या हो रही है आपकी एनर्जी स्टोर हो रही है ठीक है अभी हम लोग जब पढ़ेंगे एसी करंट एसी करंट का मतलब क्या होता है जो प्रियोडिकली अपनी जो डायरेक्शन है पोलैरिटी उसको चेंज करता है तो जब एसी की पॉजिटिव साइकिल आएगी ना तब इसके अंदर एनर्जी क्या होगी आपकी स्टोर होगी ठीक है और जब एसी की नेगेटिव साइकिल आएगी इस तरह से आपका ए होता है तो जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगी इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी जब ये नेगेटिव साइकिल आएगी ना तो जो एनर्जी इसने स्टोर की थी वो वापस क्या कर देगा ये बैटरी को सप्लाई कर देगा रिटर्न कर देगा तो ये प्रोसेस यहां पर एसी की केस में लगातार चलता रहेगा तो इसके अंदर जो नेट एनर्जी अगर हम लोग बात करें एक पूरे साइकिल के लिए वो कितनी होती है हमेशा जीरो तो पावर जो होती है ना इंडक्टर के अंदर वो कितनी होती है जीरो ये एसी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में यहां पर देखने वाले हैं ठीक है चलिए तो ये इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड एक लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा उसके लिए हमें छोटा सा डेरिवेशन परफॉर्म करने वाले तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद वंदे मातरम